नमस्कार, जय माता दी। मैं आपका पंडित वीके शास्त्री हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जो मैं आज आपके लिए एक ऐसा अचूक टोटका लेकर आया हूँ जिससे आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। जो व्यक्ति आपके वश में नहीं है, जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता, भले वो लड़का है, लड़की है, पति पत्नी या कोई भी है, जिसे आप भले वो आपको भले जानता ही ना, बस आपको उसका नाम पता होना चाहिए। जिस व्यक्ति को भी आप अपने वश में करना चाहते हैं और वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर। एक दिन में वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा और आपकी हर बात मानेगा जो आप उसको कहोगे। उसके बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपकी हर बात मानेगा जो आप उसे कहोगे। तो आप को क्या करना है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिए ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो आपको क्या करना है इस टोटके को करने के लिए, आपके आप एक जो आलू होता है, आलू, इस एक आलू से आप व्यक्ति को आप अपने वश में करेंगे और आप उसे अपनी हर बात मनवाएंगे जो आप उसे कहोगे। और इन दो लौंग के दानों से वो व्यक्ति आपकी हर बात मानेगा जो आपसे कभी बोला ही ना हो और आपसे कभी देखा ही ना हो, सिर्फ आप उन्हें जानते हो। तो मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। पहले आप उस व्यक्ति का, जो आपने अगर उस व्यक्ति को जानते हो, उसका नाम पता है, तो आपको क्या करना है, उसके नाम से मतलब कि उसका नाम लेकर इस जो आलू का आपको क्या करना है, इस आलू को ले लेना है हाथ में अपने, ठीक है। और उस व्यक्ति के बारे में सोचना, आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है कम से कम 2 मिनट। अपनी आंखें बंद करके उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हो, और उसका नाम लेना है अपने मन ही मन में, अपने मन ही मन में उसका नाम लेना है। और इसको 2 मिनट तक अपने हाथ में रखना आंखें बंद करके उस व्यक्ति के ध्यान के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दो लौंग है इसे आपको दोनों इकट्ठे करके अपने हाथ में ले लेना है, जो अपने आपका राइट हैंड है। आप अपने राइट हैंड में इसको लेने के बाद 151 बार महा आपको क्या करना है, मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीम स्वाहा, इस आलू के ऊपर से ऐसे ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र को आपको 151 बार इस मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के बाद कि आपको ये जो दो लौंग है, इस दो लौंग को आपको क्या करना है, इन आलू के बीच में डाल देना है। ध्यान से डालना है कि कोई भी इस लौंग के ऊपर कोई दिक्कत ना आए। इसे आप डाल लीजिए ऐसे ऐसे। इसको अंदर डालने के बाद आपको इस आलू को क्या करना है, आपको कोई ऐसी जगह पे रख देना है जहां पे ये आपको दिखे ना पूरा दिन, जहां पे ये पूरा दिन ना दिखे आपको। अपने सर के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर रखना है, अपने सर की ऊंचाई से ऊपर रखना है इसको। और ऐसी जगह जहां पे ये आपको दिखे ना, आपको किसी को भी ना दिखे, और एक दिन पूरा इसको आप रख देना है। उसके बाद अगले दिन आप इसे उठाकर किसी भी, आप अपने घर के आसपास या कहीं भी अपने मोहल्ले में, कहीं पे भी, छोटी नदी हो या जो भी हो पानी से भरी हुई, उसके अंदर आप इसे फेंक के आ जाना है। और फेंक के आने के बाद कम से कम आपके पास इस काम का जो है रिजल्ट मिलने लगेगा आपको 1 घंटे में, और वो व्यक्ति आपकी बात मानने लगेगा। उस व्यक्ति के पास आप जा सकते हो, आपसे उस व्यक्ति से बात कीजिए और आप जो कहोगे वही वो व्यक्ति मानेगा आपकी बात, और आपके वश में हो जाएगा और ये काम सफल हो जाएगा आपका। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। बाकी अगर आप कोई काम के अंदर हमारा पूछना चाहते हो, इस काम के लिए हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हो, तो नीचे दिए गए हमारा नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं।
जय माता दी।